नए ठेकेदार बंधुओं, अपनी जवान को ऐसा रखिए जैसे रसगुल्ला मुंह में रख रखा हो आपने और फिर बोल रहे हो, यानी मीठी जवान। गुजराती लोग कहा करते हैं, मीठी जवान वापरवा माटे कहीं खांडनी जरूरत नहीं पड़ती। गुजराती बड़ी मीठी है, बोलने में भी बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैंने गुजरात में 8 साल काम किया है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। और वास्तव में गुजरात जैसा गुजरात है, वो गुजरात बनाने में लोगों ने बहुत मेहनत की। आप भी अपने किसी भी स्टेट में हो, उसके लिए मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और वो संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आते हैं मुद्दे पर कि मीठी जबान। मीठी जबान आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ प्रस्तुत करती है। होता क्या है, आपकी जुबान यानी इंसान की जुबान होती है, उसके ऊपर एक ताला होता है और जो ही वो ताला खुलता है, जैसे एक दुकान के ऊपर ताला होता है, दुकान का ताला खुलता है और जो ही आपने उसका ताला खोल के शटर ऊंचा किया और आपको पता चल जाता है कि दुकान लोहार की है या सोनार की है, यानी यहां सोना बिकता है या लोहा बिकता है। वैसे ही आपकी जवान का ताला जो ही खुलेगा, आपकी औकात का पता चल जाता है। इसलिए अपनी जवान को मीठा रखिएगा, सटीक रखिएगा, सीमित बोलिएगा और सीमित लोगों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जो अच्छा बोलना नहीं जानता, वो अच्छा सुनना भी नहीं जानता है। इसलिए अच्छा बोलिए, आपको जवाब अच्छे मिलेंगे, टिट फॉर टेट होगा। ये संसार है, यहाँ आपको वो मिलेगा जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं लोगों को, वो ही मिलेगा। आप ठेकेदार हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप अपने आप में ठेकेदार हैं, लोगों के लिए आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। जब आप किसी बस में जा रहे हैं तो लोगों को ये पता नहीं होता कि आप एक ठेकेदार हैं और डबल ए क्लास ठेकेदार हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपने आप में डबल ए क्लास नहीं, उससे भी ऊपर का ठेकेदार होता है। इसलिए किसी से भी बात करें तो अपनी औकात को ध्यान रखिएगा, अपनी जबान को शुद्ध रखिएगा और यदि आपको कुछ किसी को दिखाना है तो जीत करके दिखाओ ना, और उन लोगों को दिखाओ जो आपकी हार का इंतजार कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे आपके कंपटीटर हैं जो ये चाहते हैं कि इस काम में से कैसे निकलेंगे। मैंने एक काम लिया था 87 में, सन 1987 में, 14 ठेकेदार थे उसमें और 14 ठेकेदारों में सबसे लोवेस्ट मैं था और मेरी कैपेसिटी उस समय इतनी नहीं थी जो लोग अपेक्षा करते थे, फिर भी मेरे वो काम आ गया था और लोवेस्ट आ गया था। और ठेकेदारों ने कहा था कि ये ठेकेदार फेल हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, 12 महीने का काम था उस समय, 12 महीने का काम होना एक मायने रखता था और वो काम मैंने पूरा किया, अच्छा प्रॉफिट गोट किया, मगर तन मन और धन से काम किया, पूरे जुनून से काम किया, जीत कर दिखाया लोगों को। और उस काम ने मेरे को वो ऊंचाइयां दी जिन ऊंचाइयों को मुझे अपेक्षा ही नहीं थी। इसलिए जीत कर दिखाओ दुनिया को, कुछ करके दिखाओ। हैकड़ी करने से कुछ नहीं होगा। कुछ कमियां मुझ में भी हैं, कुछ कमियां लोगों में भी थी, फर्क सिर्फ इतना था कि वो मेरी कमियों को गिनते रहे और मैं मेरी कमियों को सुधारता रहा। समझ गए आप? नहीं समझे मैं दोबारा बता देता हूं। कुछ कमियां मुझ में थी और कुछ कमियां लोगों में भी थी। लोग मेरी कमियों को गिनते गए और जो जो उन्होंने एक एक कमी को गिना, मैंने मेरी कमियों को सुधारना शुरू कर दिया। नमस्कार।